नमस्कार जी मित्रों, नमस्कार। आज मैं पंडित राम दुबे एक दफे फिर से आप सबके समक्ष जन्म कुंडली में कार्य सब दोष को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि कुंडली में काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। पहला अनंत काल सर्प दोष, दूसरा कुलिक काल सर्प दोष, तीसरा वासुकी काल सर्प दोष, चौथा शंखपाल काल सर्प दोष, पांचवा पद्म काल सर्प दोष, छठा महापद्म काल सर्प दोष, सातवां तक्षक काल सर्प दोष, आठवां कर्कोटक काल सर्प दोष, नौवां शंखचूर्ण काल सर्प दोष, दसवां घातक काल सर्प दोष, ग्यारहवां विषधर काल सर्प दोष और बारहवां शेषनाग काल सर्प दोष। ये 12 हमारे कुंडली के अंतर्गत 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। तो मैं आज सबको आज काल सर्प दोष से जुड़ी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, उनसे जुड़ी कठिनाइयों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष निकलते ही हर व्यक्ति, हर जातक के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है। काल सर्प दोष का नाम सुनते ही उनके अंदर एक भय, डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में ये दोष होता है उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कारोबार, पढ़ाई लिखाई, शारीरिक कष्ट, इन सब से वो परेशान रहते हैं। और जो कि अगर काल सर्प दोष की उपाय किया जाए, उनका पूजा पाठ किया जाए, उससे काल सर्प दोष की मुक्ति का जो उपाय होता है, अगर वो सब किया जाए तो विशेष फल प्राप्त मिलेगा। और इसके उपाय के विशेष दिन भी बनाए हुए हैं। तो काल सर्प दोष के अगर मुक्ति के उपाय करना है तो सबसे सर्वप्रथम काल सर्प दोष के मुक्ति का दिन है नागपंचमी। नागपंचमी श्रेष्ठ दिन है, और उस दिन अगर आप उपाय करते हैं, महामृत्युंजय जाप कराते हैं, या काल सर्प दोष का गायत्री जाप, सर्प गायत्री कराते हैं, नाग गायत्री कराते हैं, तो उससे विशेष फल, विशेष प्रकार की आपको जो फल है वो प्राप्त होगा। उससे आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उससे आप दूर हो जाएंगे सारे। तो मित्रों, और सर्वप्रथम नागपंचमी के दिन कोशिश करना चाहिए, इसी दिन हम इसकी शांति का उपाय कराएं। तो आइए अब हम आप सबको बताते हैं काल सर्प दोष के बारे में। तो मित्रों, सर्वप्रथम अनंत काल सर्प दोष के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। अनंत काल सर्प दोष कुंडली में हमारे कैसे और क्यों होता है, और इससे पहले मित्रों आप सबको ये बता दूं काल सर्प दोष क्यों होता है कुंडली में हमारे। जैसे सर्वप्रथम इस जगह कोई भी ये हमारा जो भाव है, 12 भाव हैं, 12 भाव, घर, होम, जो भी आप बोलिए, इनको ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों में आप सबको काल सर्प दोष के बारे में अगर पता करना हो तो सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली, अपना जन्म पत्रिका अपने समकक्ष रखिए और देखिए कि हमारे कुंडली में क्या काल सर्प दोष है या नहीं। तो इसमें आप ये देखिए कि काल सर्प दोष सर्वप्रथम, अब जैसे कोई भी किसी भी लग्न की कुंडली आप ले लीजिए, अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक लिख दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये 12 प्रकार के हमारे जन्म
ये कुंडली बन गई, लग्न कुंडली ये बन गई। लग्न मेष राशि स्थित लग्न है, एक का मतलब मेष कि यहाँ पे मेष। अब इसमें कोई भी हो सकता है, एक की जगह आपका दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, आठ हो, नौ, दस, ग्यारह, बारह, कुछ भी हो सकता है। काल सर्प दोष से उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब हमारे लग्न में काल सर्प दोष है या नहीं इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। आप अपना लग्न कुंडली खोलिए, जन्म लग्न कुंडली खोलिए, सामने रखिए और कैसे होता है काल सर्प दोष, पहले तो इसके बारे में। जैसे यहाँ पे राहु आ गए, इस जगह राहु बैठ गए, और यहाँ पे केतु। मित्रों ध्यान से आप सब ये देखिए कि इस जगह राहु आमने सामने ये हमेशा रहते हैं, 180 डिग्री पे राहु केतु हर वक्त आमने सामने रहते हैं। तो मित्रों अब इस जगह राहु है, इस जगह केतु बैठ गए, यानी लग्न में राहु है, औसत भाव में केतु है। ये मैं एग्जांपल के लिए, आपके तीसरे में भी बैठ सकते हैं, आपके दसवें घर दूसरे कहीं भी राहु केतु आपके आमने सामने बैठ सकते हैं। तो अब मैं आप सबके समक्ष दिखाने जा रहा हूँ, तो आप सब मित्रों ये चीज़ देखिए और समझिए कि कुंडली में राहु और केतु आमने सामने हैं। अगर बाएं तरफ यानी इस तरफ या इस तरफ सारे ग्रह इधर ही आ जाएं, दाहिने तरफ या सारे ग्रह बाएं तरफ, मान लीजिए हमारे कुंडली में और जितने सारे ग्रह हैं लग्न से लेके सप्तम घर के बीच में, यानी प्रथम घर से सप्तम घर के बीच में, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम इन सब में ही बैठ जाएं इधर, तो यहाँ पे काल सर्प दोष हो गया। या तो दाहिने तरफ इधर एक ही तरफ एक साइड सारे ग्रह बैठना, राहु केतु के इधर पूरा एक तरफ पूरा खाली और एक तरफ आमने सामने राहु केतु, बीच में सारे ग्रह, तो इस जगह राहु आपके काल सर्प दोष लग जाएगा। मित्रों हाँ, अब काल सर्प दोष हमारे ऊपर कौन सा काल सर्प दोष है, किस काल सर्प दोष की हमारे ऊपर दशा चल रही है, हमारे जन्म कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष लगा हुआ है। अक्सर करके सभी जितने भी हमारे आचार्य जी हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं, ज़्यादा ये नहीं बताते हो, सिर्फ काल सर्प दोष के आप जाओगे तो बोलेंगे आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है, लेकिन कौन सा काल सर्प दोष है इसके बारे में नहीं बताते मित्रों। तो आज आप ये ध्यान दे से देखिए और सुनिए कि हमारे कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष चल रहा है। मित्रों जैसे इस जगह राहु बैठे हैं और यहाँ पे केतु आमने सामने, यानी प्रथम भाव में राहु बैठे लग्न में, प्रथम भाव और सप्तम भाव, मैं यहाँ पे भाव के बारे में बता रहा हूँ, प्रथम भाव सप्तम भाव में राहु केतु बैठे हैं, तो इस जगह आपको अनंत काल सर्प दोष लग जाएगा। मित्रों राहु जिस घर में बैठा है उस घर का काल सर्प दोष लगता है। मित्रों अगर आपको अनंत काल सर्प दोष है तो इसके लिए आपको उपाय क्या करनी है मैं आपको बताऊं। अब अनंत काल सर्प दोष के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अनंत काल सर्प दोष अगर लग्न में राहु बैठा हुआ है, प्रथम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो वहाँ पे अनंत काल सर्प दोष लगेगा। अनंत काल सर्प दोष के बारे में मित्रों उपाय के बारे में आप सबको बता रहा हूँ, उपाय आप सुनिए। अगर आपको अनंत काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन एक मुखी या आठ मुखी या नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करें, यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो नागपंचमी के दिन रांगा एक धातु होता है
उससे सिक्का बनवा लें और उस सिक्के को पानी में प्रवाहित करें, अपने ऊपर से एक बार अपने ऊपर से वारना है, एक बार वार के पानी में प्रवाहित कर दें। तो मित्रों, ये अनंत काल सब दोष के उपाय के बारे में मैंने बताया। अगर फिर भी इससे आपकी अगर दिक्कत परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं तो आपको विशेष करके किसी ज्योतिषाचार्य जी के पास जाइए, आचार्य जी के पास जाइए, अपने पंडित जी के पास जाइए, कुंडली दिखवाइए और इसके हेतु आप हवन और मंत्र जाप, नागायत्री जाप या तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए। ये तो प्रथम काल सर्प अनंत काल सर्प दोष के बारे में है मित्रों। अब आइए द्वितीय कुलिक काल सर्प दोष। अब कुलिक काल सर्प दोष मित्रों आप लोग समझ गए होंगे। अब इस जगह राहु है, यानी द्वितीय भाव में राहु है और अष्टम भाव में केतु है, तो कुलिक नामक काल सर्प दोष आपको लगा हुआ है। इसमें आंशिक है या पूर्ण है, अब ये तो क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर काल सर्प दोष है तो एक ही तरफ इसके अंदर ही सारे ग्रह हैं, तो काल सर्प दोष ही है। मैं उसको ना तो आंशिक नहीं मानता और ना ही पूर्ण ही मानता हूँ, कि आंशिक पूर्ण होता क्या है ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। ये है काल सर्प दोष है, लगा हुआ है तो उसमें आंशिक क्या छुआता। सब बोलते हैं अरे आंशिक थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा हो पूरा क्या, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जरूर इतना मैं जानता हूँ कि काल सर्प दोष है तो है। मित्रों अब आप सबको मैं, अब जैसे यहाँ पे दूसरे घर में और अष्टम घर में, दूसरे घर में राहु है, अष्टम घर में केतु है, तो यहाँ पे कुलिक नामक काल सर्प दोष लगा हुआ है। अब कुलिक नामक काल सर्प दोष के उपाय के बारे में आप सबको बता रहा हूँ। अगर कुलिक नामक काल सर्प दोष आपके लग्न कुंडली आपके जीवन में है तो दो होने पर दो रंग वाला कंबल, दो रंग का काला वाइट किसी भी प्रकार का हो, दो रंग होना चाहिए उसमें कंबल जो होता है, अथवा गर्म वस्त्र, नहीं कंबल है तो गर्म शॉल है, स्वेटर है, जैकेट है, वो सब दान करें, या चांदी की ठोस गोली बनवाकर, एक गोली जैसे होता है ठोस, लड्डू जैसे छोटा सा बनवा लें, गोली बनवा कर उसकी पूजा करें और उसे अपने पास सदैव रखें, जिससे कुलिक नामक काल सर्प दोष का निवारण हो जाएगा, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आगे चल के आपके जो कारोबार हैं, आपका जो बिजनेस है उसमें आपको जो रुकावटें हुई हैं उसमें आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी, उसमें आपको कमियां दिखने लगेगी, नहीं हमारा जो काम रुका हुआ है वो चलने लगा है। तो मित्रों ये कुलिक नामक काल सर्प दोष। अब इसके साथ साथ मित्रों अगर तीसरे घर में राहु है, तीसरे घर में राहु और नौवें घर में केतु बैठे हुए हैं तो यहाँ पे वास्की काल सर्प दोष लग जाता है, वास्की नामक काल सर्प दोष लग जाता है। और इसके उपाय जो होता है, अगर वास्की काल सर्प दोष होने पर आपके अगर जन्म कुंडली में वास्की नामक काल सर्प दोष है होने पर, रात्रि को सोते समय सिरहाने पर थोड़ा बाजरा
रखें और सुबह उठकर उसे पक्षियों को खिला दें। नागपंचमी के दिन लाल धागे में 3, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये तो आप सबको वासुकी, इससे वासुकी काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी दिख रही है तो मित्रों मेरी एक ही बात सदैव ध्यान रखिए, महामृत्युंजय जप या नाग गायत्री जाप करवाना अनिवार्य है। और ये सब जो दोष होते हैं, सर्वप्रथम आप सबको मैं बता दूं, ये जो सारे दोष होते हैं ये पितृ दोष के कारण से होता है। अगर हमारे घर में पितृ दोष हैं तो उसके लिए उसके वजह से पितृ दोष की वजह से हमारे जीवन में अनेकानेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, अनेक दोषें उत्पन्न हो जाती हैं। काल सर्प दोष से लेके बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हमें उत्पन्न करती रहती हैं। तो मित्रों समय ज़्यादा हो गया, आज मैंने आप सबको अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष और वासुकी काल सर्प दोष के उपाय के बारे में बताया हूँ। हाँ, सभी काल सर्प दोष जो हैं एक ही समान के होते हैं, कुछ इसमें विशेषकर घातक होते हैं, और जैसे कर्कोटक काल सर्प दोष और विषधर, इसमें थोड़े से घातक ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए मित्रों समय ज़्यादा होने के नाते मैं आप सबसे आज्ञान लेना चाहता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार।